हाय गाइज, व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस को अपडेट कर दिया है। इसको एक्सेप्ट करने के लिए लोगों के पास 8 फरवरी तक का समय दिया गया है। जैसे कि मुझे एक नोटिफिकेशन आज मिल गया व्हाट्सएप का न्यू पॉलिसी का, आपको भी मिल ही गया होगा। अगर नहीं मिला होगा तो एक दो दिन में पक्का मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा व्हाट्सएप ने यह चेतावनी भी दी है, अगर आप न्यू पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं 8 फरवरी तक, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी में ऐसी कई बातें हैं जिस पे आपको गौर करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप के टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी में क्या बदला है? व्हाट्सएप अब फेसबुक के कंट्रोल में है और ये कंपनी अपनी सारी प्रॉपर्टीज को एक दूसरे से जोड़ने में लगी है। अब व्हाट्सएप यूजर का डेटा भी फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट के साथ भी शेयर किया जाएगा। न्यू पॉलिसी में इस बारे में भी जानकारी है, व्हाट्सएप कैसे यूजर की डेटा को प्रोसेस करता है और कैसे व्हाट्सएप बिजनेस फेसबुक की सर्विस को इस्तेमाल करके अपनी चैट को शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप की क्या क्या जानकारी फेसबुक से साझा होगी? व्हाट्सएप के पुराने पॉलिसी में आपके पास ये आज़ादी थी कि आप अपने व्हाट्सएप की जानकारी को फेसबुक के साथ साझा होने से रोक सकते थे, मगर न्यू पॉलिसी में इस बात की उम्मीद खत्म हो गई है। मतलब कि व्हाट्सएप वाली जानकारी फेसबुक के पास जाएगी ही जाएगी। आसान शब्दों में समझिए, आपके व्हाट्सएप से फेसबुक पर क्या क्या जाएगा? आपका व्हाट्सएप अकाउंट के रजिस्ट्रेशन की जानकारी, जैसे आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप पेमेंट का इस्तेमाल करके खरीदारी का ब्यौरा, आपका व्हाट्सएप पर दूसरे लोगों या बिजनेस अकाउंट से किस तरह बातचीत करते हैं, आपका मोबाइल से जुड़ी जानकारी जैसे कि आपका फ़ोन का हार्डवेयर मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी लेवल, मोबाइल नेटवर्क, सिग्नल स्ट्रेंथ, टाइम जोन वगैरह वगैरह, आपकी आईपी एड्रेस जो आपकी लोकेशन का पता बताता है, और वो हर तरह की जानकारी जो आप व्हाट्सएप को देते हैं। तो ये समझिए, व्हाट्सएप से जुड़ा आपके पास जो कुछ है वो सब फेसबुक के पास है। पिछले प्राइवेसी पॉलिसी में ये लिखा हुआ था कि आप व्हाट्सएप पर जो भी शेयर करते हैं, चाहे वो आपके मैसेज हों, फोटो हों या अकाउंट की डिटेल, वो कभी भी फेसबुक या फेसबुक की दूसरी एप्लीकेशन पर दूसरों को देखने के लिए शेयर नहीं की जाएंगी, और न ही इन दूसरी ऐप्स पर पोस्ट की हुई कोई भी चीज़ व्हाट्सएप पर दूसरों को दिखाने के लिए शेयर की जाएंगी। ये वाला हिस्सा गायब हो चुका है, पर शायद इसका वजह व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस साझा करने वाला फीचर है या फिर कुछ और। क्या व्हाट्सएप आपके मैसेज पढ़कर फेसबुक को बता सकता है? फिलहाल एंड टू एंड इनक्रिप्शन की वजह से व्हाट्सएप आपके मैसेज नहीं पढ़ सकता, और ये बात नई वाली प्राइवेसी पॉलिसी में लिखी हुई है। जब व्हाट्सएप आपकी मैसेज पढ़ ही नहीं सकता तो साझा भी नहीं कर सकता। व्हाट्सएप बिजनेस से बात यानी खुला खत। व्हाट्सएप भले ही आपका चैट नहीं पढ़ पाए, मगर आप जिससे बात कर रहे हैं वो जरूर ये काम कर सकता है। जब आप किसी कॉल सेंटर को कॉल करते हैं तो बात शुरू होने से पहले आपको बताया जाता है कि आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा सकता है। बस कुछ ऐसा हाल व्हाट्सएप बिजनेस पर बात करने से हो सकता है। व्हाट्सएप बताता है कि व्हाट्सएप बिजनेस आपसे हुई बातचीत को फेसबुक से साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप कहता है कि जब आप किसी बिजनेस चलाने वाले से व्हाट्सएप पर बात करते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि वो बातचीत उस बिजनेस से जुड़ी हुई लोगों को नज़र आए। इसके साथ ही ऐसा भी मुमकिन है कि जिसमें फेसबुक भी शामिल हो सकता है। फेसबुक आपके व्हाट्सएप डेटा कैसे इस्तेमाल करेगा, ये समझने के लिए कि फेसबुक की सर्विस किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिलीवरी सिस्टम को सुधारने के लिए,
फेसबुक के सारे प्रोडक्ट को ज़्यादा सेफ और सिक्योर बनाने के लिए, ताकि स्पैम और दूसरी गतिविधियों से बचा जा सके। आपकी पसंद के हिसाब से फेसबुक पर कंटेंट दिखाने, बेहतर फ्रेंड सजेशन सर्विस के लिए या आपसे जुड़े हुए ऐड दिखाने के लिए। दरअसल इस डेटा का इस्तेमाल दोनों सर्विस को जोड़ने के लिए होगा। बस इतनी ही जानकारी इस न्यू पॉलिसी में दी हुई है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।